सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हम रिवीजन में पढ़ेंगे पार्ट चार मैत्री गान, जिसकी विधा है कहानी और लेखक है मीरा सक्सेना। तो हम आज इसको अच्छी तरह से जानेंगे। बच्चों ये जो मैत्री गान पाठ है ये इरा सक्सेना द्वारा लिखित दो प्रतिद्वंदी तारा और वासंती इन पर आधारित कहानी है। तारा और वासंती एक अंतरराज्य सांस्कृतिक समारोह में भाग लेने के लिए चेन्नई में थी। एक दोनों शिविरों में रुकी हुई थी। शिविर में एक बार लाइट चली जाती है तो दोनों एक अप्रत्याशित घटना के माध्यम से मिलती हैं, टकरा जाती हैं, फिर दोनों की पहचान होती है और दोनों बहुत अच्छी मित्र बन जाती हैं। तारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आई थी और वासंती तमिलनाडु से आई थी। दोनों अपनी अपनी कला में माहिर थी, बहुत निपुण थी, स्वर साधना में मंजी हुई थी। दोनों अपने अपने शहर से, तारा और वासंती अपने अपने शहर से अपने अपने विद्यालय का रिप्रेजेंटिंग मतलब प्रतिनिधित्व करने आई थी, रिप्रेजेंट कर रही थी। दोनों बहुत अच्छी कलाकार थी और दोनों को पता था कि हम दोनों बहुत अच्छे कलाकार हैं। जब पहली बार कंपटीशन हुआ, प्रतियोगिता हुई, तो दोनों को तभी समझ में आ गया था कि हम दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। जब उन लोगों को ये पता चल गया कि हम दोनों के बीच में ही अब प्रतियोगिता होने वाली है तो उन दोनों में वैमनस्यता का भाव आ गया। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब जब दोनों जने कहीं और मिलती थी शिविर में कहीं भी तो एक दूसरे को अनदेखा करती थी, पसंद नहीं करती थी, देखती नहीं थी, क्योंकि वो अपना प्रतिद्वंदी मानती थी कि मेरे साथ प्रतियोगिता है, ये प्रथम आ गई तो क्या होगा। एक बार क्या हुआ बच्चों कि दोनों क्या मतलब वहां के जितने भी बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे वो सब तमिल महाबलीपुरम घूमने गए। महाबलीपुरम तो आपने सुना ही होगा, बहुत प्रसिद्ध बहुत सुंदर जगह है, समुद्र का किनारा है, मंदिर है, बहुत प्यारी जगह है, प्राकृतिक वातावरण है, रमणीय सुंदर जगह है। तो वो लोग महाबलीपुरम घूमने गए तो वहां पर एक मंदिर की ऊंचाई देखते देखते तारा समुद्र में गिरते गिरते बचे। जैसे ही वो गिरने वाली थी तो वासंती ने जाकर उसे बचा लिया। अब जब उसने उसको उसकी जान बचाई तो तारा के मन में वासंती के प्रति जो वैमनस्यता थी, दुर्भाव था, प्रतियोगिता के रूप में जो दुर्भाव आ गया था वो खत्म हो गया। अब उसमें उसके प्रति मित्रता जागृत हुई। उसने सोचा कि मुझे अब इसको जितवाना चाहिए। अब उसने प्रतियोगिता में गाने गाए। प्रतियोगिता शुरू हुई, दोनों ने गाने गाए, इतने अच्छे गाने गाए कि जो निर्णायक थे, जज थे, उनको फैसला करने में परेशानी हो रही थी कि हम किसे प्रथम स्थान दें और किसे द्वितीय स्थान दें। तो जजों ने आपस में फैसला किया कि इनसे एक एक गीत और गवाया जाए। दोनों ने गीत गाए, वासंती ने हिंदी गीत गाया जो कभी उसने अपने स्कूल में पढ़ा था, सुना था, गाया था। तारा ने तमिल गीत गाया जो उसने कभी सीखा होगा। दोनों ने अपोजिट गीत गाए अपनी भाषा के विपरीत। तारा चाहती थी कि वासंती जीत जाए, वासंती चाहती थी कि तारा जीत जाए। ये उनकी मित्रता का भाव था, दोनों एक दूसरे को जिता रही थी। अभी भी दोनों ने, वासंती ने हिंदी गीत बहुत अच्छा गाया, तारा ने तमिल गीत इतना अच्छा गाया कि अब फिर निर्णायकों को एक बार फिर से धर्म संकट आ गया
क्या फैसला ले उन्हें समझ में नहीं आया। फिर दोनों फिर निर्णायकों ने ये फैसला लिया कि अब दोनों को ही विजेता घोषित किया जाए। तो उन्होंने दोनों तारा और वासंती को दोनों को ही प्रथम स्थान दिया। रिवीजन में ये पाठ समझाने का मेरा ये मतलब है कि इस पाठ में से बहुत सारे प्रश्न आए। अभी जो P1 एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, उसमें से इस पाठ में से उसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो आपको उस पाठ को बहुत अच्छी तरह से शुरू से आखिरी तक पूरा पढ़ना है, एक एक चीज। उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जैसे कि पाठ का नाम क्या है, विधा क्या है, ऑप्शन आएंगे, कहानी है, नाटक है, कविता है, संस्मरण है, उसके लेखक कौन है, चार ऑप्शन होंगे, प्रेमचंद है, इरा सक्सेना है। पाठ के अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने अभी समझाया कि तारा उत्तर प्रदेश से आई थी, बासंती तमिलनाडु से आई थी, महाबलीपुरम घूमने गई, कहाँ घूमने गई महाबलीपुरम, उन्होंने कौन सा गीत गाया, बसंती ने कौन सा गीत गाया, तारा ने कौन सा गीत गाया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यदि आप लेसन पढ़ेंगे ना जब, तो एक पेंसिल हाथ में रखिए और उसको रेखांकित करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए कि इसमें से ये प्रश्न बन सकता है, और उसका उत्तर भी दिमाग में सोच कर रखेंगे। इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो लेसन के अंदर से ही बन रहे हैं। आप भी इस तरह के क्वेश्चन अपने मन में बना के रखें ताकि आपको उत्तर देने में आसानी हो। धन्यवाद।